Assalamualaikum, my name is Roshan Rauf and welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6. प्रीवियस वीडियो में 2.5 को क्लियर किया था. कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. 2.6 स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, फंक्शन से रिलेटेड यानी कि 2.6 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगी, ताकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे. हम कम्प्लीटली फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. एक चीज़ याद रखें, इस चैप्टर का नाम था सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स. सेट्स हम डिस्कस कर चुके, अब बारी है फंक्शंस की. फंक्शंस के बाद ग्रुप्स आ जाएंगे. फंक्शन समझने से पहले जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए यानी कि जिनसे गुजरते हुए हम फंक्शन तक पहुंचेंगे, मैं वो पहले डिस्कस करती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चाहिए वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, 10th क्लास में आप इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियरली पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करूँगी. कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसे सेट को बोला जाता है जिसमें आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि ए एंड बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं. मैं एक दफ़ा आपको करके भी दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए की वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2, बी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 3 एंड 4. अब मुझे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करूँगी, पहले लिखूँगी 1, 3, मतलब कि इसकी भी पहली वैल्यू और इसकी भी पहली वैल्यू. देन मैं लिखूँगी 1 एंड 4, उसके बाद 2 एंड 3, एंड देन 2 एंड 4, मतलब कि ए की हर एक वैल्यू को बी की हर एक वैल्यू के साथ हमने पेयर करके लिखा है. अब ये हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ यानी कि ये जितने भी चीज़ें मौजूद हैं ये बेसिकली क्या है, ये पेयर्स हैं. और कौन से पेयर्स हैं, ये हैं ऑर्डर्ड पेयर्स. अब ऑर्डर्ड पेयर्स की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स बेसिकली एक ऐसे पेयर को बोला जाता है जिसकी फर्स्ट वैल्यू एक्स हो और सेकेंड वैल्यू वाई. ये हमने वैसे ही एक्स वाई से डिनोट किया, आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं. बेसिकली एक्स होगी पहले सेट की वैल्यू और बी होगी दूसरे सेट की वैल्यू. जब हमारी पहली वैल्यू ए से और दूसरी वैल्यू बी से होगी तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. सेकेंडली, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ वो ये है कि एक्स की वैल्यू हमेशा बिलोंग करेगी ए को. आप पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लें, एक्स की वैल्यू हमेशा ए को बिलोंग करेगी एंड वाई की वैल्यू हमेशा बिलोंग करेगी बी को, मतलब कि वाई की हर एक वैल्यू हमें बी के अंदर मिलेगी. ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशन. अब रिलेशन की डेफिनेशन भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल के साथ रिलेशन को भी समझाऊंगी. बेसिकली रिलेशन होता क्या है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स यानी कि कंडीशन क्या है, कंपल्सरी है कि ए और बी का नॉन एम्प्टी होना, ए या बी दोनों में से कोई भी सेट जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता. देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ये है हमारे पास. अब अगर मैं इसी में से कुछ उठा लूँ, मतलब कि कोई पेयर उठा लेती हूँ, 1 और 3 ले लेती हूँ एंड 1 एंड 4 ले लेती हूँ, आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है. अब ये मैंने बना लिया 1 एंड 3 एंड 1 और 4 का एक सेट. अब ये है क्या, ये बेसिकली सबसेट है हमारी ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हमने लिया है. इस कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन. अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक बाइनरी रिलेशन है, या सिंपली इसको रिलेशन भी बोला जा सकता है, और रिलेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर के साथ. क्लियर. नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन. सो बेसिकली व्हाट इज़ अ फंक्शन, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. यानी कि एक ऐसा रूल जिसके तहत ए की एक वैल्यू को सेट बी का एक ही एलिमेंट दिया जाएगा. मैथमेटिकली फंक्शन इज ए टू बी वेयर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए. ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि एक्स जितने भी होंगे वो ए से उठाए जाएंगे और वाई जितने भी होंगे वो बी से लिए जाएंगे. अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इसकी जो बेसिक डेफिनेशन थी वो तो मैंने आपको पढ़ा दी, अब आप समझें इसको एग्जाम्पल के साथ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. मैंने यहाँ पर दो सेट्स ले लिए हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी. ए के अंदर तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं पी क्यू एंड आर, बी के अंदर चार एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3 एंड 4. हमेशा याद रखिएगा कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं डोमेन के, और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कोडोमेन. और हमें करना क्या है, हमें फंक्शन बनाना है ए टू बी का. ऐसा ही है, ए टू बी का फंक्शन बनाना है. अब फंक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर पी हमारा रिलेट कर रहा है 1 के साथ, क्यू है 2 के साथ एंड आर है 3 के साथ. तो सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शंस की हमारे पास कौन सी दो कंडीशंस हैं, किसी भी चीज़ को वो फंक्शन है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे. फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके डोमेन वाला पूरा सेट, मतलब कि ए का पूरा सेट जो है वो शामिल होना चाहिए, ए में से कोई एक एलिमेंट भी छूटना नहीं चाहिए. मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हमारे पास ए में पी क्यू एंड आर मौजूद हैं तो ये तीनों एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो किसी ना किसी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएं. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि आपका हर एक एलिमेंट यूनिकली अटैच होना चाहिए सेट बी के साथ. मतलब ये है कि पी सिर्फ 1 के साथ अटैच हो सकता है, 2 के साथ अटैच नहीं होना चाहिए. उसमें ये हो जाएगा कि पी 1 के साथ भी है, पी 2 के साथ भी है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं रहेगा. हमेशा एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है बी की जो ए को असाइन की जा सकती है. हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, के सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ही असाइन किया जा सकता है. तो इसको बोला जाएगा कि ये एक फंक्शन है. अब हम बेसिकली फंक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं, डोमेन को भी और कोर डोमेन को भी. लास्ट चीज जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो है रेंज. ठीक है, अब रेंज ऐसी वैल्यूज़ के सेट को बोला जाता है जो हमारे डोमेन के साथ, मतलब कि एक ही सेट के साथ पेयर बना रही हूँ. मतलब कि जो वैल्यूज़ ऑर्डर्ड पेयरिंग में शामिल होंगी वो रेंज होंगी, और जो ऑर्डर्ड पेयरिंग में शामिल नहीं वो रेंज में भी शामिल नहीं की जाएंगी. अब अगर कोडोमेन के सेट की बात की जाए तो वह है 1, 2, 3, 4, और अगर रेंज की बात की जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ 1, 2 एंड 3 होगी. ठीक है, यहाँ तक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अब फर्दर मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी ताकि आपको फंक्शन की मजीद समझ आ जाए. अब मैं यहाँ पर 4 एग्जांपल्स लिख चुकी हूँ, हर एक एग्जांपल में हमारे पास दो दो सेट हैं और फंक्शन हमें बनाना है. अब ये चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं. फंक्शन की दो कंडीशंस हमेशा अपने माइंड में रखिएगा. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट जो है वो ए सेट का वो शामिल होना चाहिए ऑर्डर पेयरिंग के अंदर, और सेकेंड कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट यूनिकली अटैच होना चाहिए सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ. सेट ए का एक ही एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट्स के साथ अटैच नहीं हो सकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो बिल्कुल हो रही है, क्योंकि पी और क्यू दो ही एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयरिंग में शामिल हैं. सेकंड कंडीशन है कि पी से सिर्फ एक ही लाइन निकलनी चाहिए, दो नहीं निकल सकती. यूनिक होने की कंडीशन यह है कि पी सिर्फ एक वैल्यू के साथ अटैच हो, तो ऐसा ही है, पी सिर्फ एक वैल्यू के साथ अटैच है और क्यू सिर्फ एक वैल्यू के साथ अटैच है. सो ये हमारा एक फंक्शन है. नेक्स्ट है कंडीशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में भी दो सेट्स हैं हमारे पास, ए बी सी एंड 4, 3 एंड 5. अब अगर देखा जाए तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है जो कि हमारी थी कि हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयरिंग में शामिल होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड. सेकंड कंडीशन है कि एक एलिमेंट से एक ही लाइन निकलनी चाहिए, दो नहीं निकल सकती. तो हम देख सकते हैं ए से भी एक ही निकल रही है, बी से भी और सी से भी. सो ये भी एक फंक्शन है. नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं. हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो ऑर्डर्ड पेयरिंग में शामिल नहीं हुआ, तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयरिंग में शामिल होना चाहिए. सो ये एक फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमारे पास दो सेट्स हैं. फर्स्ट कंडीशन है कि ए का हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयरिंग में शामिल होना चाहिए, वो तो फुलफिल हो गई. सेकंड कंडीशन है कि हर एलिमेंट से ए की लाइन निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ए में से दो लाइनें निकल रही हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक फंक्शन
नहीं है। आई होप आज के इस लेक्चर में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन इन तीनों चीज़ों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन इनेबल करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।